वेलकम टू नो बेसिक्स। चलिए आज हम कल के वीडियो सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम पढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कल हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी थी और इसमें हमने बेसिक चीज़ें भी सीख ली थी कि पर्सन क्या होता है, फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स कितने तरह के होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमने सीख ली थी। अब जनरल इंग्लिश कोर्स का ये दूसरा वीडियो है और इसमें हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को सीखने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले तो ये स्ट्रक्चर देख लीजिए। अब इसमें सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, तो इनमें से कोई एक हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे और वर्ब के चौथे रूप का यूज करेंगे, यानी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब से यूज करेंगे। फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होता है, मैंने आपको कल वर्ब के फॉर्म दिखाए थे इस तरह से। यहाँ पे हमने सिर्फ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब तक ही लिखा था, बस इसमें जो लिस्ट है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब तक ही है। लेकिन इसको आपको फोर्थ फॉर्म कैसे बनाना है, बहुत सिंपल है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में आप इसमें से सिर्फ आई एन जी जोड़ देंगे, मतलब वी वन में आप आई एन जी जोड़ देंगे, तो ये हो गया आपका फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे एक्सेप्ट है, तो एक्सेप्ट में आप आई एन जी जोड़ देंगे तो हो जाएगा एक्सेप्टिंग, ठीक है। तो ये फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब बन गया। चलिए, तो यहाँ पे एस फॉर सब्जेक्ट आप सभी को पता है, इज एम आर, यहाँ पे हम तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। इसके बाद ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, वर्ब का हम चौथा रूप यूज करेंगे, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। और इसका लास्ट ऑफ हिंदी क्या होगा, रहा है, रही है, रहे हैं, तो इस तरह से लास्ट ऑफ हिंदी होगा। मतलब हिंदी के सेंटेंसेस में ये शब्द जरूर आएंगे। ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका मतलब ये है कि जब मेरा काम जारी है उसी समय मैं बोल रहा हूँ। जैसे मैं लिखूँ, मैं बोलूँ कि आई एम राइटिंग, तो इससे आपको क्या पता चलेगा कि मैं उसी समय बोल रहा हूँ जब मैं लिख भी रहा हूँ, दो काम एक साथ चल रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान है, यहाँ से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे रहा है, रही है, मैं लास्ट में आएगा हिंदी में, बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस बनेंगे, मैं खा रहा हूँ, तुम पी रहे हो, बच्चे खेल रहे हैं, पिताजी सो रहे हैं, तो इस तरह से रहा है, रही है, रहे हैं, सेंटेंस के लास्ट में आएगा हिंदी सेंटेंसेस के। अब हमें इसको इंग्लिश सेंटेंस में बनाना है, कन्वर्ट करना है। अगर मैं एक सेंटेंस बना दूँ, मैं कॉलेज जा रहा हूँ, तो इसका ट्रांसलेशन कैसे हो जाएगा, ये सब्जेक्ट है, जा रहा हूँ, जाना क्या है, वर्ब है, और कॉलेज ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे हम सेंटेंस कैसे बना सकते हैं, कैसे ट्रांसलेशन हो जाएगा, आई एम गोइंग टू कॉलेज, तो इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। चलिए अगला स्लाइड ले लेते हैं, इसमें कुछ और चीज़ें सीखते हैं और कुछ सेंटेंस बना के देखते हैं। एग्जाम्पल वन, पिताजी सो रहे हैं, इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, पिताजी का क्या होता है, फादर, ये सब्जेक्ट है और सोना क्या है, वर्ब है, तो पिताजी सो रहे हैं, ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, फादर इज स्लीपिंग। तो इसी तरह से हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बना सकते हैं। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, पिताजी नहीं सो रहे हैं, पिताजी नहीं सो रहे हैं, इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, फादर इज नॉट स्लीपिंग। तो इस तरीके से हम सेंटेंसेस बना सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को इसी तरह हम बना सकते हैं। माँ खाना पका रही है, इसको आप कैसे बनाएंगे, माँ खाना पका रही है, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, मदर इज कुकिंग फूड, ठीक है। किसान खेती कर रहा है, इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, किसान को क्या बोलते हैं, फार्मर इज, खेती को क्या बोलते हैं, कल्टीवेटिंग, फादर इज कल्टीवेटिंग, ठीक है, फादर इज कल्टीवेटिंग। तो इसी तरीके से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस भी इसी तरह बनेंगे, मैं नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग, ठीक है, क्या मैं जा रहा हूँ, तो क्या मैं जा रहा हूँ, इसके लिए हमारे पास स्ट्रक्चर है, इज एम आर से शुरू हो जाएगा और सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट, तो क्या ट्रांसलेशन हो जाएगा, क्या मैं जा रहा हूँ, क्या मैं नहीं जा रहा हूँ, तो क्या मैं जा रहा हूँ, एम आई गोइंग, क्या मैं नहीं जा रहा हूँ, एम आई नॉट गोइंग, तो इस तरह से सेंटेंसेस बनेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसी तरह बच्चे खेल रहे हैं, तो ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, ठीक है।
दे आर स्लीपिंग, आई एम पार्टिसिपेटिंग इन एन एग्जाम। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। इज एम आर का यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर, ठीक है। इज एम आर इज किसके साथ यूज होता है? इज का हिंदी होता है, ये यूज होगा ही शी इट, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ही सी इट, या फिर कोई भी सिंगल नाम हो सकता है, ठीक है। एम किसके साथ? एम सिर्फ एक के साथ यूज होता है, आई के साथ। और आर किसके साथ यूज होता है? आर यूज होगा प्लूरल के साथ, प्लूरल नंबर मतलब जहाँ भी दो या दो से अधिक लोग रहे, जैसे यू वी दे, इन सब के साथ क्या यूज होगा? आर यूज होगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब अगला स्लाइड हम देखते हैं, और इसमें हम देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसका इसको पहचानने का तरीका क्या है? हिंदी में ट्रांसलेशन, हिंदी के सेंटेंसेस के लास्ट में आएगा चुका है, चुकी है, चुके हैं, इस तरह के सेंटेंसेस आएंगे। जैसे एग्जांपल, मैं खा चुका हूँ। दूसरा एग्जांपल, वह पहुँच चुका है। अगला एग्जांपल, पिताजी सो चुके हैं, माँ आ चुकी है। तो मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होता है? ये जो काम ऑलरेडी पूरा हो गया है, ठीक है। ऐसे सेंटेंसेस को हम इंडिकेट करेंगे, ऐसे सेंटेंसेस को हम एक्सप्रेस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के माध्यम से। तो इसका एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह के सेंटेंसेस को हम ट्रांसलेट करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और किस तरह के टेंस को हम बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, इसका स्ट्रक्चर क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है पॉजिटिव में आएगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव बीन, सॉरी हैज या हैव प्लस, अब भी नहीं होगा, हैज हैव प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेगेटिव में क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस वी थ्री ऑब्जेक्ट। इसी तरह से इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा? इसे शुरू हेल्पिंग वर्ब से हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंस शुरू होता है, तो हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वी थ्री ऑब्जेक्ट। इसी तरह इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हम कैसे बनाएंगे? हैज हैव सब्जेक्ट नॉट प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अब कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ समझा दूँ आपको कि हैज़ किसके साथ यूज करेंगे, हैव किसके साथ यूज करेंगे। वही याद रखिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, बस इसको याद रखिए। इसी के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? हैज़ का यूज़ करेंगे, बाकी सभी के साथ हैव का यूज़ करेंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में क्या क्या आते हैं? सी ही एट, कोई भी सिंगल नेम आता है, जैसे राधा, ये सिंगल नेम है, श्याम सिंगल नेम है। लेकिन अगर हम इनको ऐड के थ्रू जोड़ देंगे राधा एंड श्याम, तो ये प्लूरल हो जाएगा। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम हैज का इस्तेमाल करेंगे कोई भी सिंगल व्यक्ति के साथ, आई और यू को छोड़ के, ठीक है। जैसे ही हैज, शी हैज, इट हैज, राम हैज, श्याम हैज, माय फादर हैज, माय ब्रदर हैज, माय सिस्टर हैज, माय वाइफ हैज। तो इस तरह के सब्जेक्ट के साथ हम यूज करेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म, और हैज़ का इस्तेमाल करेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में, ओके। चलिए कुछ एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं। एग्जांपल एक, मैं पत्र लिख चुका हूँ। इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? इसमें आपको पता है सब्जेक्ट ये है, लिखना वर्ब है ना, और ये ऑब्जेक्ट है। तो मेरा ट्रांसलेशन कैसे हो जाएगा? आई हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, राइट रोट रिटन है ना, आई हैव रिटन अ लेटर। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, वह घर पहुंच चुकी है, ठीक है। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? ये क्योंकि फीमेल है तो शी हैज रीच्ड होम। अब सी के साथ हमने ही हैज यूज किया है, आई के साथ हैव यूज किया है, फंडा वही है, ही शी इट या कोई भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज का इस्तेमाल होगा, ओके। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं, राम और श्याम कॉलेज से वापस आ चुके हैं। इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? ये सब्जेक्ट क्या है? राम और श्याम, राम एंड श्याम, क्योंकि
ये प्लूरल है, राम एंड श्याम दो लोग हैं तो प्लूरल हो गया। प्लूरल के साथ हम क्या यूज करते हैं, प्लूरल के साथ हम यूज करते हैं हैव। राम एंड श्याम हैव वापस आ चुके हैं, कॉलेज से वापस आ चुके हैं, कम बैक फ्रॉम कॉलेज। ठीक है, तो यहाँ पे इनके साथ हैव का इस्तेमाल हमने किया क्योंकि ये प्लूरल है। कोई भी प्लूरल के साथ हैव यूज होगा और कोई भी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज का यूज होगा। यू के साथ क्या यूज करेंगे, यू के साथ हैव यूज होगा। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं अगला। एक मिनट, आई होप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को आप कैसे पहचानेंगे, इसके हिंदी के सेंटेंसेस में होता है आपका ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, यही पहचानने का तरीका हिंदी के सेंटेंसेस को। अब जैसे एग्जांपल हम देखते हैं कि मैं स्कूल जाता रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, मैं स्कूल जाता रहा हूँ, ये टाइम का इंडिकेशन है, जाता रहा हूँ। ठीक है, मतलब जाने का जो काम है पहले भी चलता था और अभी भी चलता रहा, अभी भी चल रहा है, इसमें स्टॉपेज नहीं आया है, तो मैं स्कूल जाता रहा हूँ, मतलब कई समय से ये पहले से ही ये काम चलता आ रहा है, एक टाइम का इंडिकेशन है। ठीक है, और इससे पहले कंटिन्यूअस टेंस जब हम देख रहे थे तो मैं स्कूल जा रहा हूँ, वो इंस्टेंट पोजीशन को दिखा रहा है, और ये जो ता रहा हूँ ये लंबे समय से आपका स्कूल गोइंग पोजीशन को दिखा रहा है, मतलब इसमें समय का इंडिकेशन है ना, समय को रिप्रेजेंट कर रहा है, और मैं स्कूल जा रहा हूँ उसमें समय का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था। ठीक है, तो मैं स्कूल जाता रहा हूँ, वह गाना गाती रही है। ठीक है, स्कूल शिक्षक दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते रहे हैं। इसे क्या पता चलता है, समय का इंडिकेशन हो रहा है कि पहले भी आयोजित करते थे, अभी भी आयोजित कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस कहते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ट्रांसलेशन इसका कैसे होता है, इसका स्ट्रक्चर होगा पॉजिटिव में सब्जेक्ट प्लस हैज हैव बीन प्लस V4। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट हैज हैव बीन सॉरी हैज हैव नॉट बीन माफ कीजिएगा हैज हैव नॉट बीन। जब भी दो हेल्पिंग वर्ब या दो मॉडल वर्ब साथ में आ जाएं तो नेगेटिव सेंटेंस में नॉट उन दोनों के बीच आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हैव और बीन दोनों क्या हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, तो इनके बीच में नॉट आया। सब्जेक्ट हैज हैव नॉट बीन V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, इंट्रोगेटिव में सेम वही पॉजिटिव से इंट्रोगेटिव बन जाएगा, इसमें बस आपको क्या करना है, हैज हैव को आगे लाना है, हैव और हैज को आगे लाइए। एक मिनट, प्लस सब्जेक्ट बीन प्लस V4 ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या हो जाएगा, आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे बनते हैं स्ट्रक्चर, हैव हैज प्लस सब्जेक्ट नॉट बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से बनेंगे आपके सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। और या इसका हिंदी होगा ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं। ठीक है, चलिए अब कुछ सेंटेंसेस हम बना के देखते हैं। बच्चे कई घंटों से खेलते रहे हैं या कई घंटों से खेल रहे हैं। ठीक है, इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट है, वर्ब है। ठीक है, तो बच्चे का इंग्लिश क्या होता है, अ चिल्ड्रन। चिल्ड्रन क्योंकि ये प्लूरल वर्ड है, चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग फॉर मैनी आवर्स। ठीक है, चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग फॉर मैनी आवर्स। इसी तरह कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, मैं परीक्षा में फेल होता रहा हूँ, इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, आई हैव बीन फेलिंग
इन द एग्जाम। ठीक है, तो हैज़ बीन और हैव बीन किस टेंस को इंडिकेट करता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। चलिए, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मतलब एक तरह से हमने प्रेजेंट टेंस पूरा खत्म कर दिया है। अब हम देखते हैं पास्ट टेंस, शुरू करते हैं पास्ट टेंस। इसका हिंदी होता है भूतकाल, मतलब बीता हुआ काल। एक मिनट, इसमें बीते हुए सेंटेंसेस को हम एक्सप्रेस करते हैं पास्ट टेंस में, जैसे मैंने खाना खा लिया। ठीक है, तुम वहाँ नहीं गए, माँ नहीं आई, पिताजी आज काम पर नहीं गए। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम ट्रांसलेट करते हैं पास्ट टेंस, इस तरह के सेंटेंसेस को हम बोलते हैं पास्ट टेंस, और इनका ट्रांसलेशन बहुत इजी होता है। ठीक है, तो पास्ट टेंस का सबसे पहला, और भी पास्ट टेंस में आप देख सकते हैं कि मैं जा रहा था, वह खा चुकी थी। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बोलते हैं पास्ट टेंस, मतलब जो काम ऑलरेडी हो चुका है, जो समय बीत चुका है ना, उसको बोलते हैं पास्ट टेंस। चलिए कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, इससे पहले हमने पढ़ा था पास्ट सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट, अब इसमें हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता था आता है, ती है, ते हैं, अब इसमें होगा चुका, चुकी, चुके, या फिर या, आ, ई, इस तरह के सेंटेंसेस बनेंगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, इस तरह के सेंटेंस, मैंने खाना खा लिया, तुम वहाँ नहीं गए, माँ नहीं आई, पिताजी आज काम पर नहीं गए। तो इस तरह के सेंटेंसेस को लास्ट में क्या आ रहा है? या, ए, ई, ए। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम बोलते हैं पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वी टू, इसमें सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेगेटिव में हम यूज करते हैं सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वी वन। सिर्फ पॉजिटिव में ही वी टू यूज होगा, बाकी सब में वी वन ही यूज होगा। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम कैसे बनाते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनाते हैं डिड से स्टार्ट करते हैं, डिड सब्जेक्ट प्लस वी वन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट रहा तो लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इसमें डिड से ही शुरू हो जाएगा, डिड सब्जेक्ट नॉट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं। मैं नहीं गया, मैं नहीं गया, इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? आई डिड नॉट गो, मैं गया, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, मैं गया, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? आई वेंट, वेंट क्या है? गो का सेकंड फॉर्म है वेंट। ओके, इसमें और एक और कुछ एग्जांपल देख सकते हैं। चलिए, मेरी बहन, सॉरी बाहर हो गया, मेरी बहन ने शादी नहीं की, इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? माय सिस्टर डिड नॉट मैरी। तो इस तरह से हम सेंटेंसेस को बना सकते हैं। दूसरा, मेरा दोस्त नहीं आया, इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? माय फ्रेंड डिड नॉट कम। ठीक है, तुम जल्दी चले गए, क्या हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन? यू वेंट वेरी सून। तो इस तरह से हम ट्रांसलेशन कर सकते हैं। इसमें आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस के लिए एक पॉजिटिव सेंटेंस बनाइए और उसको ट्रांसलेट करिए सभी सेंटेंसेस में, नेगेटिव में ट्रांसलेट करिए, इंट्रोगेटिव में ट्रांसलेट करिए, और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में ट्रांसलेट करिए। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, कुत्ता भौंका, इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? डॉग बार्क्ड। ठीक है, ये वी टू है, इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा? कुत्ता नहीं भौंका, कुत्ता नहीं भौंका, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा डॉग डिड नॉट बार्क। क्या कुत्ता भौंका? क्या कुत्ता भौंका, ट्रांसलेशन डिड द डॉग बार्क, क्या कुत्ता नहीं भौंका, क्या कुत्ता नहीं भौंका, डिड द डॉग नॉट बार्क,
यहाँ पे आप द को ओमिट भी कर सकते हैं। द एक्चुअली उसमें लगाया जाता है जब ये आपका नॉन फैक्टर रहता है, सॉरी ये डॉग, डॉग अगर किसी आप पार्टिकुलर डॉग की बात करें तो द लगाएंगे, और किसी पार्टिकुलर बात डॉग की बात नहीं कर रहे हैं तो द नहीं लगाएंगे। ओके, तो इस तरह से आप एक पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए, ये तो रहा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, इसका लास्ट ऑफ हिंदी होता है, इसको आप कैसे पहचानेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस? रहा था, रही थी, रहे थे, इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं हिंदी में। जैसे तुम खा रहे थे, ठीक है, मैं सो रहा था, वे जा रहे थे, कुत्ते भौंक रहे थे, तो इस तरह के सेंटेंसेस बनते हैं। ओके, जो मतलब पास्ट में कंटिन्यूस था, जो पास्ट में जारी था ऐसा एक्शन, ठीक, जो अब ख़त्म हो चुका है। चलिए, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, आपको समझ में आ गया होगा ना कि किस तरह के सेंटेंसेस को पास्ट कंटिन्यूस टेंस बोलते हैं, जिसमें रहे थे, रहा था, रहे थे, है ना, रही थी, वहाँ बाजार जा रही थी, वहाँ खाना पका रही थी, है ना, वहाँ डांस कर रही थी, वहाँ नाच रही थी, वहाँ गा रही थी, हम लोग सो रहे थे, मैं लिख रहा था, तो इस तरह के सेंटेंसेस क्या होते हैं, पास्ट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंस होते हैं। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, सब्जेक्ट प्लस वाज या वेर प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वाज वर नॉट वी फोर ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव हो जाएगा आपका वाज वर सब्जेक्ट वी फोर ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव हो जाएगा आपका वाज वेर सब्जेक्ट नॉट वी फोर ऑब्जेक्ट। रहा था, रही थी, तो इस तरह के सेंटेंसेस बनेंगे। जैसे मैं लिख रहा था, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, आई वॉज राइटिंग, ठीक है, आई वॉज राइटिंग, ये सब्जेक्ट है और राइटिंग जो है लिखना, ये वर्ब है, तो आई वॉज राइटिंग। इसी तरह से और सेंटेंसेस हम बना सकते हैं, तुम स्कूल जा रहे थे, क्या हो जाएगा, यू वर गोइंग टू स्कूल, हम लोग काम कर रहे थे, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा वी वर वॉकिंग। तो इसी तरह से सेंटेंसेस आप बना सकते हैं, है ना, चिल्ड्रन वर प्लेइंग, मॉम वॉज लाफिंग, फादर वॉज रनिंग, तो इस तरह से सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सभी सेंटेंस आप बना सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, माय फादर वॉज वर्किंग, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव सेंटेंस आप कैसे बना सकते हैं, माय फादर वॉज नॉट वर्किंग, ठीक है। इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, वॉज माय फादर वर्किंग, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, वॉज माय फादर नॉट वर्किंग। तो इस तरह से हम सेंटेंसेस बना सकते हैं चारों फॉर्म में। ओके, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब पास्ट परफेक्ट टेंस कैसे बनेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस ये कैसे बनेगा, इसका लास्ट ऑफ हिंदी होता है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, इस तरह के लास्ट ऑफ हिंदी होगा। जैसे वह खा चुका था, ठीक है, लास्ट में क्या है, चुका था, वह जा चुकी थी, लास्ट में क्या है, चुकी थी, माँ सो चुकी थी, लास्ट में चुकी थी, भारत मैच जीत चुका था, लास्ट में क्या है, चुका था। इसी तरह कई सेंटेंसेस का एग्जांपल आप ले सकते हैं। तो इसके लिए स्ट्रक्चर क्या होगा,
आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह के सेंटेंसेस को हम पास्ट परफेक्ट टेंस बोलेंगे। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है पास्ट परफेक्ट टेंस का? सब्जेक्ट हैड V3 ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हैड नॉट V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा? हैड सब्जेक्ट V3 ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव क्या हो जाएगा? हैड सब्जेक्ट नॉट V3 ऑब्जेक्ट। तो इस तरह स्ट्रक्चर होगा और इसमें आप आसानी से सेंटेंसेस बना सकते हैं। एग्जांपल लेते हैं, मैं सो चुका था, आई हैड स्लेप्ट। स्लेप्ट क्या है? स्लीप का V3 है स्लेप्ट, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे यूज करना है V3 यूज करना है। ओके, मैं नहीं सो चुका था, क्या हो जाएगा? आई हैड नॉट स्लेप्ट। क्या मैं सो चुका था? हैड आई स्लेप्ट। क्या मैं नहीं सो चुका था? हैड आई नॉट स्लेप्ट। तो इस तरह के सेंटेंसेस बनेंगे। माँ घर से निकल चुकी थी, इसका क्या हो जाएगा? मदर हैड लेफ्ट होम, ठीक है, माँ घर से नहीं निकल चुकी थी। नेगेटिव में मदर हैड नॉट लेफ्ट होम। क्या माँ घर से निकल चुकी थी? हैड मदर लेफ्ट होम। क्या माँ घर से नहीं निकल चुकी थी? हैड मदर नॉट लेफ्ट होम। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं, कोई भी सेंटेंसेस को ईजिली आप कन्वर्ट कर सकते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक। चलिए, तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है पास्ट परफेक्ट टेंस। हम बहुत तेज़ी से इसलिए भाग रहे हैं कि हमें बहुत सारी चीज़ों को कंप्लीट करनी है। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हम देखते हैं। इसमें रहा था, रही थी, इस तरह के सेंटेंसेस आएंगे हिंदी में, जैसे सॉरी ता रहा था, माफ़ कीजिएगा, ता रहा था ता रही थी, है ना, जैसे वह जाता रहा था, टाइम का इंडिकेशन है, वह एक मिनट, वह कई दिनों से स्कूल नहीं जा रहा था, इसमें भी टाइम का इंडिकेशन है, कई दिनों मेनी डेज, ठीक है। उसी तरह पिताजी कई सालों से खेत में काम करते रहे थे, टाइम कंडीशन है कई सालों से करते रहे थे। तो इस तरह के सेंटेंसेस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस बीफोर। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, सॉरी हैड नॉट बीन होगा, नेगेटिव में क्या हो जाएगा? हैड नॉट बीन प्लस वी फोर। यहाँ पे आप ऑब्जेक्टिव भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंट्रोगेटिव में आपका हो जाएगा हैड सब्जेक्ट बीन प्लस वी फोर ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में हो जाएगा हैड सब्जेक्ट नॉट बीन वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, मैं पत्र लिखता रहा था, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर, ठीक है। इसी तरह मैं पत्र नहीं लिखता रहा था तो क्या हो जाएगा? आई हैड नॉट बीन राइटिंग अ लेटर। आगे भी इसी तरह हम कई सेंटेंस बना सकते हैं, बच्चे स्कूल जाते रहे थे, ठीक है, क्या हो जाएगा? चिल्ड्रन हैड बीन गोइंग टू स्कूल। चिल्ड्रन हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल, हैड चिल्ड्रन बीन गोइंग टू स्कूल, हैड चिल्ड्रन नॉट बीन गोइंग टू स्कूल। तो इस तरह के सेंटेंसेस बनते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह के सेंटेंसेस बनेंगे।
इससे पहले हमने पढ़ा था पास्ट परफेक्ट टेंस, अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम पढ़ रहे हैं और इसमें टाइम पे इंडिकेशन है कि कोई काम कुछ समय से चल रहा था पास्ट में, पास्ट की बात हो रही है तो ये टाइम पे इंडिकेशन है। तो इन एग्जांपल्स से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह के सेंटेंसेस बनेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो चलिए आज के लिए इतने, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर फ्यूचर टेंस बाकी रह गया है टेंस का, इसके बाद खत्म हो जाएगा, फिर हम शिफ्ट करेंगे प्रीपोजिशन वगैरह देखेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।